आप देख रहे हैं YMS News 24। आइए देखते हैं आज की खबर बहरोड अलवर राजस्थान से। संजय यादव मीडिया प्रभारी के साथ। विश्व पर्यावरण दिवस पर टेरेस गार्डन लगाने का दिया संदेश। कोरोना के चलते जहां लॉकडाउन था, वहीं इस लॉकडाउन में प्रकृति को फिर से सवरने का मौका मिला। नदियों का पानी स्वच्छ हो गया तो शहरों की आबोहवा भी साफ हो गई। मानव जाति अपने घरों में कैद थी, पर वन्य जीव जंतु विभिन्न पक्षी अपनी क्रीड़ा करते नजर आए। प्रकृति पुनः से सृजन के कार्य में व्यस्त थी। जलंधर से हिमालय की चोटियां नजर आने लगी। सब कुछ दिखने में बहुत सुंदर नजर आने लगा। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, इन सबसे मिलकर ही हमारा पर्यावरण बना है, और यह हम सभी का नैतिक कर्तव्य है कि इसकी रक्षा करें। इसी क्रम में मंथन फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की सचिव डॉक्टर सविता गोस्वामी व डॉक्टर पीयूष गोस्वामी ने परिवार सहित परिंडे लगाकर व टेरेस गार्डन विकसित कर सभी लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि उनके माता पिता डॉक्टर अरविंद गोस्वामी व सुषमा गोस्वामी द्वारा किचन से निकलने वाले सब्जियों व फलों के छिलके इत्यादि से खाद बनाई गई व उसकी सहायता से घर की छत पर सब्जियां व औषधीय पौधे जैसे तुलसी पुदीना इत्यादि लगाए गए, और इन कार्यों में बच्चे चिन्मयी व केशवी को भी संलग्न करते हैं ताकि उनको भी प्रकृति को जानने का अवसर मिल सके। इस प्रकार के सार्थक प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दिया जा सकता है व हानिकारक कीटनाशक के दुष्प्रभाव से भी बचा जा सकता है। बहरोड अलवर राजस्थान से संजय यादव मीडिया प्रभारी की रिपोर्ट। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। अगर करना है मानव कल्याण तो लगाना होगा पेड़ हर इंसान को। कोरोना संकट के समय जहाँ पे एक और लॉकडाउन चल रहा है, उसी अगर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तो प्रकृति को सृजन का नया मौका मिला है। जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे शहर की आबोहवा बदल चुकी है, पक्षियों की चहचहाट सुनने को मिल रही है, नदियों का पानी स्वच्छ हो चुका है, तो ये जो प्रकृति ने अपने एक सृजन का कार्य किया है, तो आज इस पर्यावरण दिवस पर, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, सिर्फ सोशल मीडिया पर इसकी शुभकामनाएं प्रेषित करने से हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। इसकी सार्थकता तब साबित होगी जब हर एक इंसान अपने अपने स्तर पर प्रयास करे। ऐसा ही एक प्रयास हमारे परिवार के द्वारा किया गया, टेरेस गार्डन डेवलप करके। टेरेस गार्डन जिसमें आप इजीली हमारे जो घर की जो काम में आने वाली सब्जियां हैं और औषधीय प्लांट हैं, ये हम लोग लगा करके और इसके कई सारे फायदे हम लोग ले सकते हैं। जो हमारे घर से निकलने वाला जो गीला कचरा होता है, जो किचन से हमारे जो भी सामान छिलके वगैरह निकलता है, उसके द्वारा खाद तैयार की जाती है, और टेरेस पे हम लोग जो भी हमारे जैसे जो सब्जियां हैं, साथ में औषधीय प्लांट जैसे कि हम पुदीना है, धनिया है और तुलसी है, इस तरीके के छोटे छोटे प्लांट हम लोग लगा सकते हैं। साथ में यदि किसी के पास में स्पेस है ज़्यादा से ज़्यादा, तो नीम है, पीपल है, कि जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके, ऐसे प्लांट्स भी लगाना चाहिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमारे द्वारा आज यहाँ पे परिंडे भी लगाए गए हैं और पक्षियों के लिए दाना भी डाला गया है, क्योंकि जहाँ पे हम पर्यावरण की बात करते हैं तो बिना पक्षियों के तो पर्यावरण अधूरा है। तो आइए हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम लोग पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, जो पक्षी हैं, अमुक जानवर जो हैं, उनका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।